अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ रीब राशिद और मैं 19 साल का हूँ। तो दोस्तों अभी मैं ख्वाइफुंग जा रहा हूँ, तो वहाँ पर मुझे एक काम है, तो मैं वहाँ बस थोड़ा जाऊँगा वहाँ पर। और तो वैसे आज गर्मी बहुत है दोस्तों, पता नहीं 36 डिग्री सेल्सियस पर भी टेम्परेचर गया था ये 2 दिन पहले 3 दिन पहले, तो बहुत ही गर्मी हो गई दोस्तों यहाँ पर। तो ये क्लाइमेट चेंज की वजह से, वैसे इतनी गर्मी तो शायद बहुत रेयरली पड़ती है हांगकॉन्ग में। तो चलो मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। दोस्तों मैं अभी बस यहाँ पर बैठा हूँ और यहाँ काफ़ी अच्छी हवा है, तो मैं सोचा मैं यहाँ क्यों ना बैठ ही ना जाऊँ। तो कब तक घूम रहा हूँ और काम भी ख़त्म हो गया, तो मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ पर कहीं लाइब्रेरी भी है यहाँ पर वर्किंग में, तो शायद वहाँ जाऊँगा और फिर कोई बुक ही पढ़ ले लूँ। वैसे भी बोर हो रहा हूँ और फ़ोन देखने से बेहतर है कि मतलब बुक ही पढ़ लें, देखते हैं फिर। और फिर अभी मैं जाऊँगा प्लाजे के अंदर, ये सामने ही प्लाजे, तो अंदर जाऊँगा और फिर लाइब्रेरी ढूँढूँगा, फिर वहाँ जाके बुक करूँगा। तो देखते हैं फिर कैसी कैसी बुक्स, मुझे बुक्स पढ़ने का भी बहुत शौक है, मैं रीडिंग भी बहुत करता हूँ, रिसर्च करने का मुझे बहुत शौक है, तो पढ़ता हूँ तो इसलिए ऐसे मुझे नॉलेज मिलता है। तो हर बंदे का एक अपना ही तरीका होता है रिसर्च करने का और फिर नॉलेज हासिल करने का और पढ़ने का। कुछ कुछ लोगों को पढ़ने का शौक ही नहीं होता, तो मुझे तो यार बहुत शौक है पढ़ने का। तो चलो मैं आपसे बाद में मिलता हूँ, शायद लाइब्रेरी में मिलूँगा। दोस्तों वो जो लाइब्रेरी है जिससे मैं बात कर रहा था, वो अभी परफॉर्म मेट्रो प्लाजा के अंदर ख़त्म हो गई है। तो वहाँ एक मूची जो एक शॉप है वो बंद की है, तो एक सात ख्वाहिशों वाली लाइब्रेरी भी है जहाँ ख्वाहिंगम गैस स्टेशन के पास ही है, तो मैं अभी वहाँ जा रहा हूँ। तो वैसे यहाँ बात बहुत ज़्यादा है दोस्तों, शायद मेरी बात आपको पहुँच नहीं रही होगी, थोड़ा सा ज़ोर से बोल रहा हूँ। तो सात ख्वाहिशों वाली जो लाइब्रेरी है ख्वाहिंगम गैस स्टेशन के पास, वहाँ मैं जा रहा हूँ क्योंकि वो लाइब्रेरी काफ़ी भरी है। तो देखते हैं कि वहाँ क्या क्या मतलब मैं जा भी सकती हूँ अंदर या नहीं, एक कार्ड भी चाहिए होता है, तो देखते हैं फिर आप लाइव कर लेती हूँ। चलो मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। दोस्तों ये वाली जगह भी आप देख ही सकते हो कि ये काफ़ी खूबसूरत जगह है यहाँ पर, और लेकिन गर्मी बहुत है, जैसे कि आपने मेरा पसीना देख ही लिया होगा, बहुत ही गर्मी है यहाँ पर दोस्तों। तो यही वजह कि मैं गर्मी वाले मौसम में मैं बहुत लेज़ी हो जाता हूँ, क्योंकि इतना चलने नहीं होता, बहुत जल्दी पसीना आ जाता है मुझे, मेरी तबीयत ही ऐसी है। तो ये वजह कि मेरी अगर बात करें तो मुझे सर्दी का मौसम इसलिए मुझे पसंद है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि सर्दी के मौसम में मैं ज़्यादा चल सकता हूँ, मेरा मतलब वो इसलिए क्योंकि पसीना इतना ही आता, तो मैं लेज़ी इतना नहीं होता, तो पसीने की वजह से मैं बहुत लेज़ी हो जाता हूँ, और ये वजह। तो चलो मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। तो दोस्तों मैं अभी आ गया हूँ यहाँ अपने घर के पास, तो वहाँ पीछे काफ़ी गर्मी है, तो यहाँ शायद धूप भी पड़ी होगी, तो यहाँ आ जाता हूँ। तो मैं लाइब्रेरी नहीं था गया क्योंकि वो कहता है कि 3 वैक्सीन लगवानी पड़ती हैं, तो मैंने सिर्फ 2 ही लगवाई थी, एक जून 2021 में और एक जुलाई 2021 में, 2 वैक्सीन लगवाई थी पिछले साल ही। तो तीसरी तो ज़ाहिर सी बात है अभी अभी निकली है, तो मतलब अराउंड ऐसे ही कुछ 7-8 महीने तो हो ही गए, पिछले साल ही निकली थी, 9 महीने हो गए। तो थर्ड वैक्सीन तो अभी लगवानी पड़ेगी और देखते हैं फिर कब लगवा सकें। तो वैसे ही काफ़ी अब मतलब मुझे भी बहुत काम होता है, तो इसलिए वैक्सीन लगवाने का टाइम नहीं मिलता, लेकिन चलो देखते हैं। और ये दूसरी तरफ तो ये लाइब्रेरी में नहीं जाने दिया क्योंकि इन्होंने नहीं जाने दिया क्योंकि 3 वैक्सीन की ज़रूरत थी। तो चलो मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। तो दोस्तों अभी मैं घर जा रहा हूँ और
अभी जो करंटली अभी जो टेम्परेचर है वो 34 डिग्री सेल्सियस पर है। तो सिर्फ कुछ दिन पहले ही संडे को जो टेम्परेचर था वो 36 डिग्री सेल्सियस पर था। तो आप सोच ही सकते हैं कि ये सिर्फ इसी महीने का सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर नहीं था मगर इस पूरे साल का 2022 का सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर था संडे को। जुलाई आई थिंक आज के आज जुलाई 26 तो जुलाई 23 को जो टेम्परेचर था वो 36 डिग्री सेल्सियस पर था। तो ये हांगकॉन्ग में 2022 में सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर बन गया था। तो काफ़ी गर्मी है, इसका मतलब है कि जुलाई जो है हांगकॉन्ग में सबसे हॉटेस्ट मंथ होता है। देखते हैं अगस्त में कितना टेम्परेचर पहुँचता है, हो सकता है कि उसमें इससे ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा हो सकता है कि लाइक चांस तो है मगर चलो देखते हैं। तो फिलहाल तो अभी ये नहीं कह सकते कि ये भी हाईएस्ट है, जब ये साल खत्म हो जाएगा तब पता चल जाएगा, और अगस्त खत्म हो गया तो पता चल जाएगा कि हाईएस्ट टेम्परेचर संडे वाला था या फिर अगस्त में जो है वो होगा, तो हमें वो पता चल जाएगा बाद में। तो चलो मैं आपसे रात को मिलूँगा। तो दोस्तों मैं अभी प्लाजे में हूँ और जैसे कि आप देख ही सकते हो कि प्लाजा जो है ऑलमोस्ट खाली हो गया। तो प्लाजा वैसे ही बहुत अच्छा लगता है, वैसे जब नॉइज़ कम होती है यहाँ पर, सुबह को बहुत क्राउड होता है तो काफ़ी लोग होते हैं यहाँ पर, क्योंकि गर्मी में ज़्यादातर लोग जो हैं यही प्लाजे के अंदर या जो इनडोर ही जाते हैं ज़्यादातर, क्योंकि इतनी गर्मी में कोई भी बाहर नहीं निकलता। और लेकिन काम तो ज़ाहिर सी बात है करना ही पड़ता है। तो चलो मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। दोस्तों मैं अभी अपनी बिल्डिंग के नीचे हूँ, तो मैं अभी घर जा रहा हूँ। और तो वैसे यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो कि किसी की यहाँ साइकिल खड़ी है, पता नहीं किसी की साइकिल खड़ी है तो मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसे ही कोई बंदा यहाँ छोड़ गया नहीं, वैसे ही कचरे के साथ भी तारा लगा हुआ है जैसे कि आप देख ही सकते हो। अजीब है दोस्तों, अजीब बात है दोस्तों कि यहाँ कचरे के साथ भी साइकिल जो है खिला के चला गया। मतलब ये चीज़ें लाइक इनका यही इनका दिमाग है। तो चलो मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। तो दोस्तों मैं अभी घर जा रहा हूँ और ये जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है ये 12 जुलाई को इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे जो फोटो डाले थे, जैसे कि करीना नेबुला वाला, और वो तो बहुत ब्यूटीफुल था, सबसे ब्यूटीफुल पिक्चर उसका वो ही था। तो बाकी और भी गैलेक्सीज थी जैसे स्टेफन क्विंटेट और ये वगैरह वगैरह जितने भी बाकी उसके फोटोज थे, और एक इसने एलियन लाइफ वाला प्लेनेट भी इसने ढूंढ लिया, एक नया वास्प 96B ऐसे कुछ, तो उसमें वाटर का एक एविडेंस मिला कि वहाँ पानी मौजूद है, और अगर पानी मौजूद है तो फिर लाइफ का भी मौजूदगी का होना पॉसिबल है। तो ये मतलब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने कुछ ऐसे ये 12 जुलाई को डिस्कवर किए थे, और एक 14 जुलाई को इसने इंफ्रारेड वाले कैमरे से जुपिटर और उसके एक मून का भी फोटो खींचा था जो कि काफ़ी उसके वो रेड रेड तक दिख रहा था। तो ये बस एक वैसे आपको बता रहा था कि मुझे एस्ट्रोनॉमी का वैसे मुझे बहुत शौक है, मतलब पूरे साइंस का मुझे बहुत शौक है, तो एस्ट्रोनॉमी भी एक साइंस ही है। तो चलो मैं आपसे तो आज को हम वहाँ क्वाइकॉन गए थे, तो वहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं किया, सिर्फ थोड़ा सा घूमा था और बस जो है लाइब्रेरी जो थी वो बंद थी सब क्वेश्चन वाली जो वहाँ, क्योंकि 3 वैक्सीन जो है वो ज़रूरी थी तो वो नहीं थी मैंने लगवाई, तो बस ये बस थोड़ा सा घूमा था। तो चलो मैं आपसे अगली ब्लॉग में मिलूंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।